दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी आते हैं, जब आपके लिए कोई ना कोई नई अपडेट लेकर आते हैं, आज हम लेकर आए नवीन राशन दुकान के आवेदन हेतु रिक्त ग्राम पंचायतों और आवेदन की अंतिम तिथि संबंधित जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, जिस भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत राशन डीलर का पद खाली है, उसकी वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी एक मध्य प्रदेश में 104 ऐसी ग्राम पंचायत है जिसके अंतर्गत राशन डीलर का पद खाली है। ठीक है, सही सुना। इससे पहले हमने आपको बताया था 180 गांव की, पर इसमें और जैसे ही अपडेट आता जाता है, जैसे ही भर्ती पद खाली रहता है, यहां पर आपको बता दिया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई समस्या आ रही, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए और हमारे हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वैकेंसी की तरफ। सबसे पहले अगर आपको ये वैकेंसी देखना है तो आपको जाना है ब्राउजर में, यहाँ सर्च करना है एम राशन मित्र। ठीक है, एम राशन मित्र लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश स्टेट फूड सिक्योरिटी पोर्टल एम राशन मित्र दिखने को मिल जाएगा वेबसाइट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। सबसे लास्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा सभी विज्ञप्ति देखे। सभी विज्ञप्ति देखे पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। आप जिला वाइज जिला सिलेक्ट करके, अपनी जनपद पंचायत सिलेक्ट करके यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको पूरी सूची देखना है तो यहाँ पर आपको होम का पेज दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही होम के पेज पर क्लिक करते हैं, आपको सभी जनपद पंचायत यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जिला है गुना, गुना की जनपद पंचायत भी गुना लगती है। ठीक है, और यहाँ पर पिपरोदा कला में यहाँ पर पद खाली और जिसकी लास्ट डेट 25/8/2023 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसी देख लेते हैं। देवास में भी यहाँ पर पद खाली है, देवास के बाद बाद मंदसौर में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देवास के बाद मंदसौर, झाबुआ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। झाबुआ के बाद यहाँ पर हम जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, धार में मिल जाएगा और यहाँ पर सेकंड नंबर पर आगे लिस्ट हम जैसे ही बढ़ाते हैं, यहाँ पर आपको कुछ और जनपद पंचायत देखने को मिल जाएगी, जैसे जिला और धार जिला यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, राजगढ़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, रायसेन भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ जनपद पंचायत जिनकी लास्ट डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जो डेट सो होगी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जिला देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जनपद पंचायत देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर ग्राम पंचायत या किस वार्ड के अंतर्गत खाली है, चिन्हित दिनांक मतलब किस तारीख को पता चला कि यहाँ पर पद खाली है, दुकान का प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, दुकान आवेदन प्रारंभ तिथि यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आवेदन कब से प्रारंभ हुआ और अंतिम तिथि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इसका मैंने आवेदन किस प्रकार से करना है, क्या क्या संबंधित डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसका वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा तो जल्दी से आप जाकर देख लीजिए। तो अगर आप इन पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो आप भी इसमें आवेदन जरूर से कर सकते हैं, या आप इस जिले के अंतर्गत आते हैं तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि आप जिस जिले के अंतर्गत आते हैं केवल उसी में आप आवेदन कर सकते हैं, आप दूसरे जिले में आवेदन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए धार जिले में यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल कितनी 13 पंचायत 14 पंचायतों में पद खाली है। ठीक है, धार जिले में 14 पंचायत में खाली है। तो धार जिले में जितने भी लोग हैं, ठीक है, धार जिले के जितने भी निवासी वो सभी पंचायतों में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पर दूसरे जिले का जैसे हरदा जिले का, राजगढ़ जिले का, ये आवेदन नहीं कर सकते धार जिले में। धार जिले में केवल धार जिले का निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि हम दूसरे जिले के हैं, मैं आवेदन कर सकते हैं नहीं, क्योंकि गृह जिले में नहीं निकली, क्योंकि ये वैकेंसी सभी जगह जहां पर पद खाली होने वाले हैं सभी जगह निकलने वाली है। और अपडेट अगर कोई आती है और जिले में खाली होते हैं पद तो आपको जरूर सूचना दी जाएगी। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।